फ्रेंड्स, वेलकम माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, आज मेरे पास में B310 मॉडल सैमसंग का मॉडल है B310, और प्रॉब्लम इसके अंदर हमारी माइक की है। ये जो पॉइंट है, ये हमारा माइक के दोनों पॉइंट हैं। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के अंदर माइक काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें माइक निकाल कर आप नया माइक लगाएंगे। दो पॉइंट होते हैं इसके अंदर माइक के, यूनिवर्सल माइक लगता है इसके अंदर। और माइक के बाद में अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कहां से जंपर लेना है, कहां से ये मिस हो सकता है, कहां से इसके पॉइंट आते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये दो पॉइंट होते हैं। अगर पहले तो आप इस पर रीडिंग चेक करेंगे कि इस पर रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर इस पर रीडिंग आ रही है तो काम करना चाहिए, तो माइक आपका ख़राब होगा, माइक दूसरा लगा देंगे। और अगर इसमें रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसके बराबर में दो रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर की दो रेजिस्टेंस हैं। तो इसमें जो आपका इधर वाला पॉइंट है, बैटरी कनेक्टर की साइड वाला, और ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाली से आप यहाँ से और यहाँ तक एक जंपर दे देंगे, तो ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर इस पॉइंट पर अगर आपकी रीडिंग नहीं आ रही है, तो आप ये नीचे वाले रेजिस्टेंस से एक जंपर दे देंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और अगर दोस्तों इन रेजिस्टेंस के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका पॉइंट है इधर वाला, और आप यहाँ पर कैपेसिटर देख रहे हैं जो ये लगे हुए हैं, जो ये एक बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके नीचे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इसके अंदर यह वाला जो कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस के सीधा ऊपर है, ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसके सीधा ऊपर है, ये रेजिस्टेंस जो है इसके सीधा ये ऊपर है। यहाँ से इसके इस साइड से आप एक जंपर लेंगे, इस वाली साइड से, यहाँ से, ये देख रहे हैं ना। और मैं थोड़ा सा सही करके दिखा देता हूँ, ये वाली साइड से, ये जो बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी बाहर वाली साइड से एक जंपर लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे डायरेक्ट, तो ये हमारा माइक काम करने लगेगा। और अगर इस पर रीडिंग यहाँ से काम करने से नहीं बनता है, तो ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसमें किसी भी कैपेसिटर से आप जंपर दे देंगे यहाँ तक, तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं कि कहां से कहां तक आपको जंपर लेना है। यही पूरा सेशन माइक का होता है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।